आप दिखाते नहीं हो। मैं नाम विजय है। मैं जब तक गुरुजी यहाँ पे हैं तब तक मैं रहना चाहता हूँ। बाकी मेरा यहाँ कुछ है, कुटिया बनी है छोटी सी, भगवान की पूजा करता हूँ, माला करता हूँ, भगवान का नाम जपता हूँ। जब तक गुरुजी हैं तब तक मैं रहना चाहता हूँ, बाकी मेरा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बापूजी निर्दोष हैं और निश्चित बाहर आएंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग साधना करते हैं और बापूजी हमारे लिए ईश्वर स्वरूप, भगवान स्वरूप हैं। हम लोग अभी तक आशा लगा हुए हैं कि बापूजी बाहर आएंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जब से बापूजी अंदर है तब से आप यहाँ बाहर काफी समय से हैं, तो आज आए हुए हैं। मैं तो ऐसे दर्शन के लिए आया हूँ, अकेले यहाँ रहता हूँ, अकेले दर्शन के लिए आया। हाँ सर, ये जो जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर आसाराम के समर्थकों ने अतिक्रमण कर कुटिया बनाई है, उस मामले में हमें ऐसी जानकारी मिली है। हम आवश्यक है, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इसमें भी नगर निगम या प्रशासन के सहयोग की भी जरूरत होगी, उनसे भी सहयोग लेके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। हाँ सर, ये जो जेल के बाहर अतिक्रमण है इसकी आपको जानकारी मिली है, क्या कार्रवाई? सर, मैं रोड के ऊपर किसी प्रकार का अतिक्रमण अलाउ नहीं है। जहाँ जहाँ अतिक्रमण की सूचना मिलती है निगम अधिष्ठान तुरंत कार्रवाई करके रोड पे अतिक्रमण हटाता है। कल मेरे को जानकारी में लाया गया कि जेल के आसपास ये किसी व्यक्ति ने झोपड़ी बना के वहाँ पूजा शुरू कर दी है, तो कल से हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमारा दस्ता वहाँ लगा हुआ है और सुबह उसको रोड से हटा दिया जाएगा।